हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अग्रवाल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ प्रश्न हैं, ये कैसे हल होंगे वो आप समझ लीजिए। 12 कुर्सी का दाम 1920 रुपया है तो 20 कुर्सी का दाम बताइए। 12 कुर्सी का दाम 1920 रुपया है तो 20 कुर्सी का दाम बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 24 सिलेंडर का दाम 23,580 रुपया है तो 6 सिलेंडर का दाम बताइए। 24 सिलेंडर का दाम 23,580 रुपया है तो 6 सिलेंडर का दाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, 45 लीटर दूध का दाम 810 रुपया है तो 85 लीटर दूध का दाम बताइए। 45 लीटर दूध का दाम 810 रुपया है तो 85 लीटर दूध का दाम बताइए। 12 गुलाब जामुन का दाम 144 रुपया है तो 145 गुलाब जामुन का दाम बताइए। हैं, और पांचवा क्वेश्चन है, एक दर्जन साबुन का दाम 96 रुपया है तो 3, 5, 7 दर्जन का दाम बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन है हम हल करने जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, 12 कुर्सी का दाम 1920 रुपया है तो 20 कुर्सी का दाम क्या होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। 12 कुर्सी का दाम लिखते हैं, 12 कुर्सी का दाम कितना है, 1920 रुपया बराबर 1920 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब 20 कुर्सी का दाम पूछा जा रहा है कि 20 कुर्सी कितने की आएंगी। तो 20 कुर्सी का दाम बताइए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 1912 कुर्सी का दाम कितना है, 1920 रुपया है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1920 रुपया, ठीक है ना, ये 12 कुर्सी का दाम है। अच्छा, अब नीचे लिख देते हैं 12, क्योंकि हमको एक कुर्सी का दाम निकालना पड़ेगा पहले। अगर हम किसी को ज़्यादा का या कमती का निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक वस्तु का दाम निकालना पड़ता है। तो हमको पहले एक कुर्सी का दाम निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए 12 एकम 12 जी काट देंगे, ठीक है, 19 है। अब बचे यहाँ पर कितने, 19 में से 12 चले जाएंगे तो 7 है ना, और 2 ये 72 हो गए। तो 12 6 72 16 रुपया हो गए। अब ये दोनों कट गए, अब ये 100 हो गई। तो एक कुर्सी का दाम कितना, एक कुर्सी का दाम कितना, 160 रुपया, ठीक है ना। एक कुर्सी का दाम कितना, एक कुर्सी 160 रुपया। अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है कि 20 कुर्सी कितने की है। तो यहाँ पर हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब देखो 20 0 0, ठीक है, 20 6 120 की सी फोर, ठीक है ना, हासिल कितना लगा 12, है ना, और 20 एकम 20 और 12 कितने हो गया 32 है, कितने की आएंगी 20 कुर्सी, 3,200 रुपये की, 3,200 रुपये की। ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया, ठीक है। तो भाइयों, अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरा है, 45 लीटर दूध का दाम 810 रुपया है तो 85 लीटर दूध का दाम बताइए, है दूसरा क्वेश्चन है ये।
तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं। तो 45 लीटर दूध का दाम कितना है? 810 रुपया। यहाँ पर लिखते हैं हम 45 लीटर दूध का दाम बराबर 810 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ तक का सवाल हल करना पड़ेगा। हमें इससे ये एक लीटर का दूध का हमको पैसा निकालना पड़ेगा। पहले हमको एक लीटर दूध कितने का है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये 810 रुपये का एक लीटर, यानी 45 लीटर दूध का दाम कितना है? 810 रुपया हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कितना? 45 लीटर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें भाग कर देंगे, डिवाइज कर देंगे, डिवाइज तो है ना। तो अब क्या करेंगे, 45 का यानी कि 45 दूनी 80 है, 45 दूनी 90 है ना। तो ये तो दो बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा है ना। तो हम यहाँ पे एक बार कर देंगे ये है। अच्छा, 45 है ना। अब तो यहाँ पर ये जाएगा आपका 18, 45 का भाग हम 18 बार जाएगा। अच्छा, ये एक लीटर दूध का दाम कितना हो गया? 18 रुपया। अच्छा अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है कि 85 लीटर दूध का दाम कितना होगा है। तो अब जब एक लीटर दूध का दाम निकालते हैं, निकालने के लिए हमको भाग लगाना पड़ता है हैं। जब हम किसी वस्तु का एक लीटर का दाम निकालते हैं तो फिर भाग करना पड़ता है। अच्छा, और अगर हम उसका ज़्यादा बनाना चाहते हैं, एक लीटर से फिर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो फिर उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है हैं। तो सबसे पहले हमें एक लीटर का दूध का निकालना पड़ता है। तो ये एक लीटर का दूध का दाम कितना है? एक लीटर दूध का दाम बराबर कितना? 18 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, एक लीटर दूध का दाम कितना? 18 रुपया। अच्छा, अब हमें कितना निकालना है? 85 लीटर का गुणा मल्टीप्लाई 85 में है, ये मल्टीप्लाई 85 में कर देंगे। तो अब 18 पंजे 90 की सीफूर हासिल कितना लगा? 9 है। अच्छा, हासिल कितना लगा? 9। अच्छा, अब 18 का भाग 8 में कर, 18 का गुणा 8 में कर दीजिए है। तो ये हो गया 880 और 64, 144 है और 9 53, तो 153। तो कितने का हो गया ये? 1530 रुपये का। कितना? एक लीटर का दूध का दाम 18 रुपया, तो 85 लीटर दूध कितने का हो गया? 1530 रुपये का। कितने का? 1530 रुपये का, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका है ना, इस तरीके से आप कर लीजिए। अच्छा, अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था, 24 सिलेंडर का दाम 23,580 रुपया है, तो 7 सिलेंडर का दाम बताइए हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम 24 सिलेंडर का मूल्य कितना है? 23,580 रुपया, ठीक है। तो कितने का है? 24 सिलेंडर का दाम। अच्छा, अब एक सिलेंडर का दाम निकालो पहले, ठीक है। एक सिलेंडर का दाम निकालो, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको 7 सिलेंडर का दाम पूछा जा रहा है। तो 7 सिलेंडर का
दाम कितना, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 23,580 रुपये में हम 24 का भाग करेंगे। 23,580 रुपये में हम यहाँ पर 24 सिलेंडर जो लिए हैं तो एक सिलेंडर का दाम निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 24 का भाग करते हैं तो देखिए 24 का हम भाग करते हैं 235 में, तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है, टोटल 10 बार तो जाएगा नहीं, है ना, तो 9 बार जाएगा टोटल। अगर 10 बार जाता तो 240 होते यहाँ पर, है, तो 9 बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये 9 बार गया और ये गया, इतने बचा, है 980 रुपये का एक सिलेंडर। एक सिलेंडर का मूल्य कितना है, बराबर 980 रुपया, ठीक है, एक सिलेंडर का दाम 980 रुपया। अब ये पूछा जा रहा है कि एक सिलेंडर का दाम तो निकल आया, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है सात सिलेंडर का दाम बताइए, तो हम सात का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सात का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, ठीक है ना। अच्छा, 7 8 56, हाँ की 6, हासिल कितना लगा 5, 7 9 63, है 63 और 5 68, यहाँ पर हम 68 लिख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया, सात सिलेंडर का मूल्य कितना हो गया, मूल्य 6,860 रुपया, कितना 6,860 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम एक क्वेश्चन और है आपका, वो और हल करने जा रहे हैं आखिरी।